सीमा हैदर का सीमा पार वाला प्यार सबने देख लिया है और अब तमाम मामले इससे मिलते जुलते सामने आते ही रहते हैं, कभी सोनिया तो कभी कोई और। अब एक बार फिर से आशिक की आशिकी में दिलरुबा अपने 3 बच्चों के साथ देश की सीमाओं को लांघकर भारत के उत्तर प्रदेश चली आई हैं। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। इस बार पाकिस्तान से नहीं बल्कि बांग्लादेश से प्रेमिका प्रेमी के प्रेम में चली आई है और साथ में अपने 3 बच्चे भी लेकर आई। प्रेमी का नाम था अब्दुल, मुलाकात हुई थी टिकटॉक पर और बातचीत होनी शुरू हो गई। चटगांव की रहने वाली थी दिलरुबा शमी। शौहर सैफुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो गई। शौहर की मौत के बाद दिलरुबा अपने 3 बच्चों को पाल रही थी। बताया जा रहा है कि अब्दुल करीम ने दिलरुबा से बातचीत की और उस दौरान खुद को कुंवारा बताया। थोड़े ही समय में अब्दुल और दिलरुबा में प्यार हो गया। दोनों जल्द से जल्द मिलने का वादा करने लगे और वादा तो किया है तो निभाना तो पड़ेगा। ये साबित करने के लिए दिलरुबा 26 सितंबर को बांग्लादेश से टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आ गई। बांग्लादेश से पहले दिलरुबा कोलकाता पहुंची और उसके बाद वहां से लखनऊ और फिर लखनऊ से किसी तरह वो बहराइच अपने बच्चों के साथ पहुंची। बहराइच में 2 दिनों तक होटल में अपने बच्चों के साथ रुकी। वहाँ से जैसे तैसे करके पता किया कि अब्दुल कहाँ रहता है। अब्दुल के गांव का पता करते ही अब्दुल से मिलने उसके गांव पहुंचे और वहां जाकर पता चला कि अब्दुल शादीशुदा है और वो बाल बच्चे वाला भी है। जब दिलरुबा अब्दुल के घर पहुंची तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। अब्दुल करीम की बीवी शकीला किसी भी हाल में दिलरुबा को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही उसके साथ रहने को तैयार थी। अब्दुल का 8 वर्षीय बेटा शादाब भी अपने अब्बू का विरोध कर रहा था। एक बांग्लादेशी महिला के घर आने और इतने बवाल होने के बाद शकीला के घर वालों ने पुलिस को इत्तला दे दी। बहराइच के एडिशनल SP प्रवीण कुमार ने मीडिया को बातचीत में बताया कि वैध कागजातों के साथ वो भारत आई थी। फिलहाल दिलरुबा अपने 3 बच्चों के साथ वापस बांग्लादेश लौट गई। दिलरुबा ने अब्दुल करीम को झूठा और धोखेबाज इंसान बताया। फिलहाल के लिए इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।